पाकिस्तान सेंसिटिव है तो हम क्या करें, हम अपना डिफेंस प्रोग्राम रोक दें, चाइना के साथ अपने फियर को रोकना सोचना बंद कर दें, जो एक वर्चुअल थ्रेट है, क्योंकि हमारी थ्रेट एनालिसिस में पाकिस्तान बहुत ज्यादा फैक्टर इन नहीं करता, हमारी थ्रेट एनालिसिस में चाइना फैक्टर इन करता है, बिकॉज पाकिस्तान इज नो मैच फ्रॉम फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव. जैसे इंडिया इज नो मैच टू, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्ना टावर पे जाके कह दिया था कि हम आपको पॉलिटिकली एक्सेप्ट करते हैं, मोदी जी ने कह दिया, हम सब ने कह दिया, हम क्या करेंगे आपके 24 करोड़, हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, आपका 24 करोड़ और हम लेके हम क्या अचीव कर लेंगे आपकी टेरिटरी को मिला करके, आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आपका टेरिटोरियल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज इतना कम है कि यू विल बी अ लाइबिलिटी, कि अगर कोई कंट्री, आप बल्कि बेनिफिट होंगे अगर इंडिया में आपका अभी आज की डेट में मर्जर हो जाए तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इंडिया की, सऊदी अरेबिया की पवित्र धरती पे ये यूएस फोर्सेस क्या कर रही है, बाहर की फोर्सेस क्या कर रही है, और हम, आप पाकिस्तान के लोग जो है वो मुगलों को भारत की धरती पे अपना मानते हैं, आपका बिन लादेन से भी प्यार है, मुगल से भी प्यार है, जो समझ के बाहर है, बिन लादेन अपनी धरती से प्यार करने के लिए अमेरिकन से लड़ गया, जिसको उसने जिहाद कहा क्योंकि उसकी भाषा में उसको वही कहा जाता है, और आप जो है, जो मुगल आपकी धरती पे बाहर से आए, गौरी गजनवी आए बाहर से, आप उनको अपना मानती हैं, तो कम से कम बिन लादेन की ही तरह अगर आप बिन लादेन से प्यार करती हैं तो बिन लादेन से लड़ जाए. बिन लादेन को इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़वाता, बिन लादेन लड़ाई लड़ा था सऊदी अरेबिया पे अमेरिकन फोर्सेस के प्रेजेंस की, उसने उसमें इस्लाम का नाम यूज किया, बाकी लोगों को भी उस कॉज में जोड़ा. उल्का आने वाले 50 सालों में इंडिया चाइनीज और अमेरिकन दोनों को हराएगा. उसका कारण ये है कि इनको पिछले 708 साल से किसी ने चैन से जीने नहीं दिया. इतनी सटीक बात उसने की, इतने लोगों ने आक्रमण किया, कभी आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजन के नाम पे, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स के नाम पे, किसी ने रिलीजन इंपीरियलिज्म फैलाया, किसी ने पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म फैलाया. अब भारत का समय आ गया है, क्योंकि भारत जो है अब इस सोसाइटी को रूल करने के लिए तैयार है, इस इंटरनेशनल दुनिया का, क्योंकि अमेरिका ने फ्री वर्ल्ड को बचाने के लिए एक रास्ता अपनाया, उसका नाम था रिजीम चेंज, जाओ बम मारो और वहां की सरकार को चेंज कर दो, तो उनको लगता था कि उससे फ्री वर्ल्ड को और डेमोक्रेसी प्रमोट होगा, ऐसे नहीं होता. बट इंडिया का मैसेज तो पीस रहा है ना हमेशा, इंडिया को तो ब्लास्ट नहीं करना. एग्जैक्टली, नॉट ओनली पीस, इंडिया इज बीन एक्सेप्टेड इवन बाय द फ्री वर्ल्ड एंड द क्लोज वर्ल्ड. सऊदीया भी यूएस के, इंडिया के साथ, इंडिया से पीएम मोदी जी फर्स्ट टाइम स्टेट विजिट पर जा रहे हैं. 2014 से 23 तक उन्होंने हुकूमत की है, मगर पहली दफा स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, और यूएस के साथ रिलेशंस बहुत बेहतर होते हैं इन फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं. बहुत सारे आपस में कमिटमेंट्स भी चल रही है जिनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा आने वाले वक्तों में, मगर इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खदशात है सिक्योरिटी के हवाले से, बहुत ज्यादा उनको खुद को लेके या इंडिया के बढ़ते कदम जो है उनको बहुत ज्यादा खदशात का शिकार कर रहे हैं. क्या कहेंगे आप इस पे, क्या पाकिस्तान का ये डर सही है या इंडिया सिर्फ अपना गोल देख रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है उसका क्या रिलेवेंस है इस पे तो बात करना बड़ा मुश्किल है, कि अब अगर पाकिस्तान सेंसिटिव है तो हम क्या करें, हम अपना डिफेंस प्रोग्राम रोक दें, चाइना के साथ अपने फियर को रोकना सोचना बंद कर दें, जो एक वर्चुअल थ्रेट है, क्योंकि हमारी थ्रेट एनालिसिस में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फैक्टर इन नहीं करता, हमारी थ्रेट एनालिसिस में चाइना फैक्टर इन करता है, बिकॉज पाकिस्तान इज नो मैच फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव. जैसे इंडिया इज नो मैच टू यूएसए, अब अगर हम यूएसए से जाके भिड़ जाए तो उसका तो फोरगोन कंक्लूजन होगा ना, वी मे बी एबल टू पुट अ डेंट हियर एंड देयर टू यूएस इंटरेस्ट, बट देयर विल बी नो मैच. ठीक है ना, सेम लाइकवाइज द देयर इज नो मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एज फार एज डिफेंस कंसर्न और एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, एज फार एज एनीथिंग इज कंसर्न. सो हमारा जो सिक्योरिटी अपरेटस होता है या हमारी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का थिंक टैंक है, वो ये सोचता है कि चाइना कल को अगर एक प्लॉजिबल थ्रेट देता है तो हाउ वुड वी काउंटर, व्हाट काइंड ऑफ सर्विलियंस इक्विपमेंट और अदर काइंड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर वी नीड, ये एक हमारा बड़ा थॉट प्रोसेस रहता है. तो अब इसमें ख्वाजा आसिफ साहब वही पुराना बयान है कि खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा और ये बिगड़ जाएगा. भाई बैलेंस ऑफ पावर अब तो रहा ही नहीं, 70-75 तक अगर कोई बैलेंस ऑफ पावर रहा होगा तो वो रहा होगा, अब तो वो बैलेंस ऑफ पावर कहीं से नहीं है और ना वो बैलेंस ऑफ पावर कभी अब मेंटेन्ड होगा. वो अब बैलेंस ऑफ पावर यही हो सकता है कि आप किसी के गोद में जाके बैठ जाएं या किसी के परमानेंट स्मॉल टाइम प्लेयर बन जाएं ताकि आप जो है वो मैनेज करना सीखें, और वो एक ही ऑप्शन है आपके पास, चाइना. सो ले दे के आप चाइना का कार्ड बार बार प्ले करेंगे यूएस के साथ भी और हमारे साथ भी, तो मैं नहीं समझता, मैं विश इस स्टेटमेंट का कोई फायदा है, बिकॉज इंडिया विल लुक कीप ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट. चाइना इज अ रियल थ्रेट,
जो इंडियन सॉवरेनिटी गलवान में अभी वो घुस आए थे, उसके पहले भी उन्होंने 2 बार रियल टाइम वॉर किया हुआ है। तो हमें ये भी एक खदशा रहता है कि अगर कल को चाइना वॉर करे हमारे ऊपर, दोबारा अटैक करे, तो हमारी प्रिपरेशन ये होती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि 2 फ्रंट वॉर हो जाए, यानी हमारा ईस्टर्न साइड भी खुल जाए, लद्दाख वाला साइड भी खुल जाए, और उसके बाद आप वाला जो वेस्टर्न साइड है मेरा वो भी खुल जाए, पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर है राजस्थान और पंजाब के, वो भी खुल जाए। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसको लेकर के हम चलते हैं। और ये जो हमारा अभी ये यूएस ड्रोन का जो प्रिडेटर ड्रोन का हमारा वो हुआ है, वो हमारी नेवल जो आर्म फोर्सेज है उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। प्लस अब इंडिया और यूएस दे आर नॉट जस्ट इनटू डिफेंस टाई, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जॉइंट रिसर्च की बात कर रहे हैं। आप समझ रही हैं व्हाट दे आर सेइंग? दे आर सेइंग कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को साथ में इन्वेंट साथ करेंगे। में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो दैट्स अ बिग थिंग ना, दैट मींस दे आर सीइंग कि इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टू द यूएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड यूएस कैन कंट्रीब्यूट टू द यूएस टू द इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब हम ये कोई क्लाइंट और वो वाला रिलेशन नहीं रह गया अब हमारा कि वो हम उनके क्लाइंट हैं, उनसे खरीदते हैं या ऐसा वैसा, वो नहीं रह गया। नाउ वी आर ज्वाइंट पार्टनर। ख्वाजा आसिफ जी का बयान भी सुना और सारे स्टेटमेंट्स सुनने के बाद आपको क्या लगता है, फिर पाकिस्तान को ऐसा कौन सा कीड़ा अब काट रहा है जिसकी वजह से बार बार हमें पाकिस्तान की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि किसी को भी देख के लगेगा कि पाकिस्तान इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है और वो एग्री नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान G20 से एग्री नहीं था, जैसे पाकिस्तान Y20 से एग्री नहीं था, जैसे पाकिस्तान मीटिंग को श्रीनगर में करवाने के लिए एग्री नहीं था और तब ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी, ऐसा ही कुछ जो है हमें इख्तलाफ इस दफा भी दिखाई दे रहा है यूएस की दफा। पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है ना। पाकिस्तान का मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान का इंटरनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। इंडिया अगर अगर इक्विपमेंट खरीद रहा है, आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसमें आपको क्या डर है कि इंडिया आपको खा जाएगा? इंडिया कभी नहीं करेगा। इंडिया ने कितने एश्योरेंस दे दिए भाई, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्ना टावर पे जाके कह दिया था कि हम आपको पॉलिटिकली एक्सेप्ट करते हैं, मोदी जी ने कह दिया, हम सब ने कह दिया, हम क्या करेंगे आपके 24 करोड़, हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, आपका 24 करोड़ और हम लेके हम क्या अचीव कर लेंगे आपकी टेरिटरी को मिला करके? आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आपका टेरिटोरियल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज इतना कम है कि यू विल बी अ लाइबिलिटी कि अगर कोई कंट्री, आप बल्कि बेनिफिट होंगे अगर इंडिया में आपका अभी आज की डेट में मर्जर हो जाए तो, ये आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि आप इंडिया का ज्वाइंट रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे, जिसको आप कह रहे हैं ट्रेड खोल दो हमारे लिए, बेसिकली आप इंडिया का रिसोर्स यूज करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे समझ ही नहीं आता, ये माइंडसेट कब तक चलेगा कि भाई ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तावनुन वो क्या तावन जो है खित्ते में पावर का वो हो रहा है, भाई कोई मैच नहीं है आपके साथ, हमें आपकी टेरिटरी नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप कल्चरली या पॉलिटिकली हमसे आपने सेपरेट हो गए, आपको मुबारक हो, आप जैसे भी अपने आप को पॉलिटिकली गवर्न करना चाहते हैं करें। हम बस ये लेकर के अभी थोड़े दिन तक, मेरे ख्याल से आगे वाली जनरेशन तो और भी खिन्न हो रही है, और भी ज्यादा डिटैच हो रही है, हम जैसे लोग तो अभी भी समझते हैं कि आप हमारी ही कल्चर का पार्ट है। आने वाली जनरेशन शायद अब इतनी ज्यादा कल्चरल यूनिटी की बात ना देखे। तो वही है, ये पाकिस्तान की कोई भी स्टेटमेंट 1947 के बाद से या 1940 के बाद से जो जिन्ना जी ने अपने लाहौर स्पीच में दी थी, एक कौमा तक नहीं बदला। वो वही चीज कहते हैं, वही मुस्लिम जेनोसाइड, मुस्लिम ये औरतों की बेगुरमती, और इंडिया गरीब मुल्क है और ये मुल्क है, ये इसी एक माइंडसेट में रह रहे हैं। और वो है कि हम एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी सोल्जर शायद 3,000 या 4,000 इंडियन सोल्जर के बराबर है, तो वो उसी इक्वेशन में वो अभी तक रह रहे हैं। अब इस जोश जज्बा वाली स्टेटमेंट सर, ये सारा जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया का यूएस से रिलेशनशिप्स वाला, इसमें जो बाइडेन की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करें बुरे करें सही करें गलत करें, पाकिस्तान इज नो वन टू से एनीथिंग, क्या कहेंगे आप इसमें? जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दी है, हमेशा पाकिस्तान यूएस के नीचे लगा है और आज यूएस ही इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, यूएस और पाकिस्तान का रिलेशनशिप भी कोई स्मॉल और कोई बड़ा इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। यूएस और पाकिस्तान ने अपनी रिलेशनशिप में 70 साल इन्वेस्ट किए हैं या 75 साल इन्वेस्ट किए हैं भाई। तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी, चाहे अगर एटलीस्ट अमेरिकन जो होंगे वो इतनी आसानी से पाकिस्तानी रिलेशनशिप को जाने नहीं देंगे, मगर क्वेश्चन ये है कि इस रिलेशनशिप में पाकिस्तान यूएस को क्या दे सकता है? आप यूएस से ले तो सकते हैं, और जो आपने लिया है आज तक, आपने यूएस को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। आपने यूएस में को वादा किया, आपको जब पहली बार कुछ देने का टाइम आया, आपने वॉर ऑन टेरर में
ये कहा यूएस के साथ कि भाई हम आपके लिए ये वॉर ऑन टेरर विच वॉज इफेक्टिवली वॉर ऑन जिहाद, बिकॉज अलकायदा ने वो वॉर ऑन टेरर वॉज अगेंस्ट अलकायदा एंड अलकायदा वॉज बेजिंग जिहाद अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बड़े मजे की बात यह है कि जो बिन लादेन था उसकी वो उसका मेन पॉइंट ये था कि सऊदी अरेबिया की पवित्र धरती पे ये यूएस फोर्सेस क्या कर रही हैं, बाहर की फोर्सेस क्या कर रही हैं, और हम आप पाकिस्तान के लोग जो है वो मुगलों को भारत की धरती पे अपना मानते हैं। आपका बिन लादेन से भी प्यार है, मुगल से भी प्यार है, जो समझ के बाहर है। बिन लादेन अपनी धरती से प्यार करने के लिए अमेरिकन से लड़ गया, जिसको उसने जिहाद कहा क्योंकि उसकी भाषा में उसको वही कहा जाता है। और आप जो है जो मुगल आपकी धरती पे बाहर से आए, गौरी गजनवी आए बाहर से, आप उनको अपना मानती हैं। तो कम से कम बिन लादेन की ही तरह अगर आप बिन लादेन से प्यार करती हैं तो बिन लादेन से लड़ जाए। बिन लादेन को इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़वा था, बिन लादेन लड़ाई लड़ा था सऊदी अरेबिया पे अमेरिकन फोर्सेस के प्रेजेंस की। उसने उसमें इस्लाम का नाम यूज किया, बाकी लोगों को भी उस कॉज में जोड़ा अलकायदा में, बट उसका बेसिक कॉज तो नेशनलिस्ट कॉज था। अच्छा, अब आप देखिए दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को कोई आज की डेट में, मैंने आपसे कहा अमेरिका के पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ नहीं है। अफगानिस्तान को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया अमेरिकन्स ने, उनको समझ में आ गया है कि इनको अगर डेमोक्रेसी चाहिए होगी तो ये लेंगे, नहीं तो ये अपने आप को जैसे रखे, अपने औरतें बच्चों को घर में बंद कर दें, ना पढ़ाई कराएं, ये उनकी प्रॉब्लम है भैया, हमारी समस्या नहीं है, हम उनको क्यों सिविलाइज करने जाएं। उनको लगता है कि औरतें घर में बंद है, बहुत बढ़िया, स्कूल नहीं जाएगी तो और भी अच्छी उनकी लड़कियां खातून होंगी, उनको मुबारक हो, उनकी समाज हम क्यों करें। तो जब से उन्होंने अफगानिस्तान को टाटा बाय बाय कर दिया, आपकी रही सही जो न्यूसेंस वैल्यू थी वो भी खत्म हो गई। अब आपके पास अमेरिका को देने के लिए कुछ नहीं है, अमेरिका चाहेगा तो आपको कुछ कुछ देता रहेगा, क्योंकि जो मेन आपने इक्विपमेंट्स लिए थे, आपने आर्मामेंट्स और ये सब, वो सारे अमेरिकन आते थे। चाइनीज तो, चाइना का तो आप जानती हैं, चला तो शाम चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, वो वाली हिसाब किताब है। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, ख्वाजा आसिफ साहब से ये पूछिए कि पाकिस्तान जो है उसका जो पॉपुलेशन है आज की डेट में पाकिस्तान का अराउंड 24 करोड़ रुपया, प्लीज हमें सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, am I correct or wrong? ये 24 करोड़ के आसपास है आप, करेक्ट? आबादी के लिहाज से? हाँ हाँ हाँ, 28 करोड़ सर, 2023 के डेटा के मुताबिक 28 करोड़ है आप, करेक्ट जी। तो आप देख लें कि जो आप अराउंड 33rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, और मेरे ख्याल से पॉपुलेशन में आप फोर्थ या फिफ्थ होंगे, करेक्ट? आपका हाँ, तो अब आप ये सोच लें कि आप टॉप फाइव में आ रही हैं और आपके पास जो वर्ल्ड का टोटल अर्थ है उसका मुश्किल से लेस देन 5% या 2-3% होगा। आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी है माल्थस की कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है, और जो पॉपुलेशन है ह्यूमन वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपको मैं सीधे से समझा दूं, 2+2+2+2+2+2 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 2 में 5 बार 2 जोड़िए तो वो 10 होगा, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर, यानी कि 2 टू द पावर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। एग्जैक्टली तो 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 2 टू द पावर 32 से आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टू द 2+2+2+2 5 टाइम्स ऐसे जुड़ेगा। आज से 40 साल बाद आप 1980 में पता है आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1980 में आप 8 करोड़ थे, उस हिसाब से 1990 में 10 साल बाद आप जो हो गए 16 करोड़, आज आप हो 24 करोड़। इसी तरीके से चलता रहा तो अगर आपने 80 से लेकर के और 23 तक यानी 43 सालों में आपने टोटल जनसंख्या जो जोड़ी है अपने एग्जिस्टिंग जनसंख्या में वो जोड़ी है 14 करोड़ या 15 करोड़ लोग। पाकिस्तान को उनका, देखिए उनका फोकल पॉइंट कहाँ है कि भारत ड्रोन खरीद रहा है, भारत को क्या करना है भाई, वो 24 करोड़ लोगों को अपने यहाँ ले ले, जो मोस्ट ऑफ देम आर फंडामेंटलिस्ट, जो भारत की जो ओपन और फ्री सोसाइटी है उसके लिए वो खतरा होंगे, वो लेके क्या करेगा उनको,
भारत क्यों आपकी टेरिटरी को लेने जा रहा है, उसका कोई शौक नहीं है। वो बस इतना ही कहते हैं भारतीय कि भाई आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, अब नहीं मानना है तो न माने, आपने जिसको एक्सेप्ट कर लिया वो भी आप रख ले। आपने 40 साल में 15 करोड़ लोग जोड़ दिए। हम चलिए मान ले आने वाले 15, आने वाले जो अगले 20 साल है उसमें अगर आप 7 करोड़ लोग भी जोड़ते हैं तो 24 का 10 या 10 करोड़ मान ले 34 करोड़, यानी 2023 तक, 2033-35 तक आप 34 करोड़ लोग होंगे। 34 करोड़, कहाँ से आएगा खाना, कहाँ से? आप अगर आपकी इकोनॉमी 0.25% से ग्रो कर रही है, आप अगर 20% से ग्रो करें, हम 7% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, 20% से भी ग्रो करेंगे तो भी आप इतने लोगों का मुंह नहीं भर पाएंगे। कोई भी इकोनॉमिक मॉडल फेल हो जाएगा क्योंकि आप इतनी ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ, जो आप फूड क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे, आपके पास इतना लैंड नहीं है कि इतने लोगों का मुंह आप भर पाए। तो आप लोगों को, आपने लोगों को यह भी बता दिया है कि जो पॉपुलेशन है वो तो गॉड की गिफ्ट है, अब आप उनको अंडू करने जाएंगे कि नहीं इस पे रोक लगाओ तो वो तो आपको खा जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपने उनको समझा दिया है कि गॉड का गिफ्ट है। अगर पर विमेन जो प्रोडक्शन, जो 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 रिप्रोडक्शन है आपके यहाँ, वो अगर 5 या 6 है पर वुमेन, ज्यादा तो आप इससे देखो, घर इससे ज्यादा एक औरत के आराम से 10-12 बच्चे होंगे। तो नहीं मैं 5 ले लेता हूँ, अगर पर कैपिटा जो, या पर वुमेन चाइल्ड, अगर अभी आप देख ले आपके यहाँ पे कितनी है, मैं उसको देख के आपको बता ही देता हूँ, पर वुमेन चिल्ड्रेन पाकिस्तान 3 है। द फर्टिलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2022 वॉज 3 बर्थ्स पर वुमेन, ठीक है ना, 3 है। तो आपके यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है आज की डेट में 24 करोड़ है, 12 करोड़ मुसलमान हिंदू सॉरी महिलाएं होंगी, हम 10 करोड़, 8 करोड़ महिलाएं मार देते हैं जो फर्टाइल है, 8 करोड़ मारते हैं हम उसमें से, 4 करोड़ बच्चे होंगे अनफर्टाइल होंगे, बूढ़ी औरतें होंगी, या 5 करोड़ भी मार ले, 15 करोड़ तो बच्चे जुड़ेंगे ना। ये अगर पर कैपिटा ये है, 5 करोड़ अगर रिप्रोड्यूस करने वाली हैं, तो आप सोचें कि ये 3-15 करोड़ बच्चे आप क्या जुड़ेंगे हर 10 साल में। आप सोच रहे हैं कि आपकी आपकी आप आपकी जो जो गवर्नमेंट है उनका एकमात्र अभी लक्ष्य होना चाहिए, पानी कहाँ से देंगे, खाना कहाँ से देंगे, नौकरी कहाँ से देंगे, रहने को घर कहाँ देंगे, जमीन छोटी पड़ जाएगी, कितने टावर आप खड़े कीजिएगा तब भी आपके लिए वो 24 करोड़ या 30 करोड़ 35 करोड़ लोगों को घर देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप ये सर, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान पहले ही से फेस कर रहा है, 75 ईयर्स से कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दुनिया बहुत आगे चली गई और पाकिस्तान अभी भी वही क्राइसिस, बल्कि अब कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फेस कर रहा है, और उन क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ही माशाल्लाह चल रही है, तो वो भी फेस करनी पड़ रही है। खैर मुझे बताएं, फ्यूचर में इंडिया यूएस रिलेशंस जो है कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर इंडिया? नहीं, इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप बेनिफिशियल फॉर इंडिया नहीं है। ये अगर इंडिया के बेनिफिट में होता तो यूएस इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इंडिया को बेनिफिट करने के लिए कुछ काम करता। यूएस इंडिया रिलेशनशिप इज बेनिफिशियल टू द फ्री वर्ल्ड। आज दुनिया को आप देखें तो दो तरीके की दुनिया है, फ्री वर्ल्ड और क्लोज वर्ल्ड। हम फ्री वर्ल्ड के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां हमारे बच्चे फ्री सोसाइटी में रहें, खुल के जीवन को अपने जी सके। जिसके पास, अगर किसी के पास एक्टिंग की क्षमता है वो एक्टिंग करे, किसी के पास बिजनेस की क्षमता है वो बिजनेस करे, किसी के पास पढ़ने की क्षमता है वो पढ़ाई करे। फ्री सोसाइटी, फ्री, दैट्स व्हाट आई मीन, एवरीवन शुड बी एबल टू मैक्सिमाइज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, और समाज और सोसाइटी और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे। ये हमारा पर्पज ऑफ फ्री वर्ल्ड है, हमारी इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट के, वी डोंट वांट आवर गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, वी वांट आवर इंडिविजुअल्स टू डू बिजनेस, यही अमेरिका चाहता है, यही हम चाहते हैं। तो फ्री वर्ल्ड को बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिकन मॉडल ऑफ फ्री वर्ल्ड फेल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने फ्री वर्ल्ड को बचाने के लिए एक रास्ता अपनाया, उसका नाम था रिजीम चेंज, जाओ बम मारो और वहां की सरकार को चेंज कर दो, तो उनको लगता था कि उससे फ्री वर्ल्ड को और डेमोक्रेसी प्रमोट होगा, ऐसे नहीं होता। बट इंडिया का मैसेज तो पीस रहा है ना हमेशा, इंडिया को तो ब्लास्ट नहीं करना। एग्जैक्टली, नॉट ओनली पीस, इंडिया इज बीन एक्सेप्टेड इवन बाय द फ्री वर्ल्ड एंड द क्लोज वर्ल्ड। सऊदीया भी यूएस के, इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, अफगानिस्तान भी कंफर्टेबल है, जितने अफ्रीकन वर्ल्ड है वो भी कंफर्टेबल है। आप देखें यूएन में जब भी कोई वोटिंग होता है, किसी सीट के लिए कंटेस्ट करना होता है, तो अगर 180 पॉसिबल वोट्स है तो इंडिया उसमें से 165 से 170 वोट लेके आता है, क्योंकि सारी कंट्री इंडिया को लीडरशिप के लिए तैयार है, इंडिया की लीडरशिप के लिए।
आज देखिए, पिछले साल मैंने ना पाकिस्तानी यूट्यूबर को सुना, बड़ा अच्छा आदमी था वो, जो भी था, पहली बार किसी पाकिस्तानी ने कोई बड़ी बड़ी इसकी जहनियत की बात की थी। उसने बोला किसी